नमस्कार दोस्तों अपना दोस्तों अपन किचन में आप लोग का स्वागत तो है दोस्तों देखिये मायके आए हुए हैं खरना है, है आज तो खरना का ढेर सारा शुभकामना सभी फ्रेंड्स को छठ का खरना है फर्स्ट डेज आज शुरू सेकेंड डेज बोलिए फर्स्ट डेज तो हम लोग सभी आदमी मंदिर चल रहे हैं तो देखिए मेरी छोटी वाली है बड़े पापा का छोटी बहू तो इनके साथ हम तीनों आदमी चले मंदिर पे चलिए आपको वहीं दिखाते हैं हम लोग का ना मायके का पूरा अपना ही खेत है हान? तो देखिये सारा अपना ही धान का खेत है तो ये मेरी भाभी बोलती है की दीदी ये सारा अपना ही धान है ऐसे मंदिर हम लोग मेन रोड होकर जाते हैं लेकिन मेरी भाभी बोली कि हम लोग गांव का बहु ऐसे नहीं जा सकते हैं दिन में चलिए आपको साइड से ले चलते हैं अपना खेत हो मंदिर में पहुंच गए चलिए सबसे पहले गंगा जी को जल चढ़ा देती हूँ तो ये मंदिर न मरिया का बहुत ही प्रसिद्ध शिव बाबा का मंदिर है फिर भी, भी मैं मैं आती हूँ तो एक बार जरूर यहाँ शिव बाबा का दर्शन करने के लिए हम लोग आते हैं उसे हर जगह सोमवार को शिव मंदिर में जल चढ़ता है लेकिन मेरे मायके में रविवार के दिन ही यहाँ जल चढ़ता है कहे कि रविवार को इंडिया बंद रहता है छुट्टी रहता है तो इसीलिए सभी लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं तो रविवार को मेला लगता है वैसे ना हर दिन यहाँ पर इस तरह से बाबा लोग सेवा करने के लिए बैठे रहते हैं वैसे मैं कभी आप लोगों को ना रविवार के दिन मेला का दिन का वीडियो नहीं दिखाई हूँ तो अभी तीन चार ठो बाबा बैठे हुए हैं तो सभी बाबा बुला बुलाकर पत्र फूल हम लोग को दे रहे हैं तो बाहर में मैं तीन आदमी से फूल माला लिया और अंदर में आई तो यहाँ पर भी एक ठो तो बाबा बैठे हुए भी बुला रहे हैं कि लो बेटा फूल माला लो वैसे हर मंदिर में एक आदमी से लोग फूल माला लेते हैं लेकिन यहाँ का सिस्टम अलग है और मेला के दिन में आते हैं तो पच्चीस तीस आदमी फूल माला दोनों तरफ से देने लगते रहते हैं तो चलिए अब मैं आप लोगों को शिव बाबा का दर्शन कराने के लिए ले चलती हूँ तो ये शिव बाबा का मंदिर बहुत पुराना था पहले लेकिन बाद में फिर तोड़कर दूसरा बनाया गया है तो ये बाबा मानकेश्वर नाथ नाम से जाना जाता है ये शिव बाबा का मंदिर तो इस मंदिर में आने से ना अगर जो इच्छा होगा मन से जो मानिएगा तो सारा पूरा करते हैं बाबा मनकेश्वर नाथ जी इस मंदिर में न श्रावण में लाखों की संख्या में नेपाल से कवरिया भैया लोग आते हैं वैसे बहुत से लोग बिहार और नेपाल से जो हुईगा ना सो इस मंदिर में आए हुईगा तो लीजिए फ्रेंड्स कौन कौन से लोग मरिया का शिव मंदिर में दर्शन करने आए हैं सो हमको प्लीज कमेंट करके जरूर लिखेगा तो यहाँ शिव बाबा को चढ़ाने के लिए धतूर का फूल और धतुर आज मैं घर से ही तोड़ कर लेकर आई थी शिव बाबा को न धतुर का फूल और धतुर बहुत पसंद है तो देखिए मेरे हाथ में एक तो झोला रहता है जिसमें पूजा का सारा सामान रहता है तो देखिए अभी भी भीड़ भी मंदिर में बढ़ रहा है तो चलिए हम लोग दर्शन कर तो देखिए फ्रेंड्स मेरे पति देव जो बेलपत्र चढ़ा रहे थे बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा शिव बाबा का दर्शन करने के बाद देखिए यहाँ पर मैं माता रानी को दर्शन करने आ गई तो वैसे ना माता रानी का मंदिर हर समय नहीं खुलता है लेकिन जब भी मैं आती हूँ ना तो बाबा लोग हम लोग को परिचित है तो जब मंदिर में आते हैं तब तो तुरंत ताला खोल देते हैं कि लो बेटा दर्शन करो अच्छा से माता रानी मैं माता रानी का दर्शन बाहर से करके जा रही थी लेकिन बाबा फिर बुला करके हमको बोले दर्शन करने के लिए जैसे ना मेरे हाथ में एक तो झोला रहता है जैसे पूजा का ना थोड़ा बहुत सारा समान सिंदूर दीप वगैरह सारा चीज रहता है तो यहाँ पर मैं माता रानी को सिंदूर भी लगा दी और माता रानी के बगल में देखिए यहाँ पर गणपति जी है तो गणपति जी को जल भी मैं चढ़ा दे रविवार तो के दिन आते तो इतना अच्छा से दर्शन नहीं होता क्या है कि उस दिन मेला रहता है भीड़ रहता है सभी आस पड़ोस के लोग दर्शन करने आते हैं लेकिन अंधेना आते हैं तो दर्शन बहुत ही अच्छा से हो जाता है तो पूजा पाठ करने के बाद देखिए बाबा फिर हमको ना हाथ में फूल माला दिए तो ये बाबा हम लोग के अंकल लगेंगे तो ये तीन चार भाई थे तो अभी जो आप लोग ना जनकपुर के राजा रामचंद्र जी के मंदिर का जो महंत देख रहे हैं तो इससे पहले वाला महंत था ना सो इसी बाबा के भैया थे उस टाइम में तो हम लोग नहीं जानते थे लेकिन जब एक बार मेरी दादी आई तब तो उनको ना बाबा के भैया पहचान गए तब से हम लोग को पता चला कि मढ़िया का ही पहले राम मंदिर का पुजारी थे। मंदिर में बहुत पूजा करने वाला स्थल था हर जगह पूजा करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर आए पुजारी बाबा के पास तो फिर सभी पुजारी इनको टीका लगा दिए हाथ में रक्षा सूत्र मान दिए तो देखिए मैं मंदिर आई थी पैदल अभी जा रही हूँ ना बहन के साथ क्या कि बहन को आने में लेट था तब तक हम और भाभी बोले कि चलिए हम लोग पैदल ही चले जाते हैं अब चलिए सभी आदमी साथ चलते क्या कि खरना है जल्दी जल्दी घर चलना पड़े हम लोग मंदिर से आए मम्मी को ना छठ का टेंशन है ये गमरी का चावल अपने से फटक रही है कहे का की काम करने वाली दीदी को नहीं छुने बोल दी अपने करती है उधर का कर करती है इधर मम्मी देखिए सारा ये गमरी का चावल है इसी का आज खीर बनेगा इसका लड्डू बनाएगा ना मम्मी हाँ इसका लड्डू क्यों बन मम्मी फटक रही है हम लोग मंदिर से आए देखिए मम्मी काम कर रही है तो देखिए हम तीनों लेडीज को आज पर्व है और तीनों जेंट्स का खाना बना था तो जल्दी से मई इन लोग को खाना दे दिए तो खाना काम करने वाली दीदी ही बनाई थी कहे कि हम लोग मंदिर चले गए थे खाना उना बनाकर देखिए मैं आई तो देखिए दीदी बर्तन मज रही थी पूजा का तब तो मैं इनको हेल्प कर दी जल्दी जल्दी धो करके सब एक जगह रख दी मम्मी बोली कि अपने हाथ से फ्रेश से धो लो तो देखिए हम लोग का कुल देवता का घर है तो इसी चौकी पर मम्मी सारा चीज पूजा को एडजस्ट करके है पूजा का सारा बर्तन क्लीन हो गया मिट्टी का चूल्हा भी आ गया अब मम्मी बोलिए कि पहले हाथ में नया लठी पहन लो कहे कि आज खरना है बिना नया लट्ठी पहनने पूजा का कोई काम नहीं होगा देखिए मम्मी नहा करके ना पहले लट्ठी पहन करके उसके बाद पूजा का चावल फट किया मैं तो ऐसा ही मंदिर चली गई थी तो वहीं मम्मी बोलती कि नहीं नया लट्ठी पहन के आओ तब मैं चूल्हा फूकने दूँगी तो मम्मी नया लहठी भी पहना दी अब चलिए पूजा के काम करते हैं हम लोग को छठ में ना दो नया चूल्ही लगता है मिट्टी का तो मम्मी का जो मैनेजर है वही बना करके मिट्टी से लिप करके दे गया है तो सिंदूर पिठार लगाकर पहले चुली का पूजा करके चूल्हा फूक देती हूँ उसके बाद देखिये जनकपुर से कोई आदमी आया है मम्मी के लिए कुछ सामान लेकर के तो मेरी बड़ी वाली दीदी नहीं आती है तो वही कुछ मम्मी के लिए भेजी हुई थी तो इधर मैं और मम्मी मिलकर पूजा का काम कर करी हुई इधर मेरी छोटी वाली बहन है उसको मैं बोली कि शाम के लिए तुम सब्जी बना दो तो मैं मंदिर जाने से पहले काम करने वाली दीदी को बोली थी कि आलू उलू बॉइल करके रखे रहना तो चलिए अब देखिए इधर पूजा का जो होता है गम्भरी का चावल इसका जो लड्डू बनेगा भूसफा जिसको तो लड्डू के लिए चावल भुना जाता है पहले उसके बाद ना चूल्हा पर सबसे पहले न खीर बनेगा तो डैडी बोल रहे थे कि दूध शाम में चार बजे और दूध देगा तब तो खीर बनेगा तो हम लोग को लेट हो जाता तो मैं बोली कि मम्मी जितना दूध है उतना ही अभी पूजा के लिए इसमें खीर कर लेते हैं उसके बाद फिर हम लोग दोबारा खीर करेंगे कहा कि पहले नैवेद्य के लिए खीर बनेगा उसके बाद ही कुछ होगा तो देखिए इधर खीर में यहाँ पर एक डेढ़ लीटर जितना दूध था उसमें मैं खीर बना ली खीर पक जाने के बाद उसके बाद मीठा डाल दी तो पूजा के खीर बनने के बाद देखिए दूसरा खीर भी बना सो वीडियो में नहीं दिखा सकी आपको उसके बाद देखिए इधर मेरी बहन पूरी बेल रही है और मम्मी बोले कि लाओ बैठ हम पूरी को तल देते हैं तो ऊपर चौकी पर आप लोग ध्यान दीजिए ऊपर खीर रखा हुआ है बन करके एक ठो तो और उस वीडियो में आप लोग को नहीं दिखा दी उसके बाद मम्मी बोले कि तुम पानी दे जाओ मैं बैठ कर फल फूल भी धो देती हूँ तो देखिए मम्मी को उठने बैठने में दिक्कत होता था लेकिन बैठ कर ना मम्मी बहुत काम करती थी ये, ये केला का जो घोर देख रहे दूठो मेरी छोटी बहन का अपने बगान का केला था तो इसको काटने का काम देखिए मेरे पतिदेव का है क्या कि मम्मी डैडी बोले कि मेहमान जी अच्छा से काट देते हैं कोई चीज़ को ढंग से तो देखिए सचमुच ना बहुत ही अच्छा से मेरे पतिदेव सारे केला को अलग कर दिए वैसे केला का काम आज नहीं है कल है कल साँझ अर्घ के टाइम में इसका काम लगेगा तो मेरे हस्बैंड बोले कि कल काटने से ना पक जाएगा तो थोड़ा सा काटने में दिक्कत होगा अभी कच्चा है तो मैं अच्छा से काट देता हूँ तो अच्छा ही हुआ उसके बाद ना सारे केला और फल फूल कल के लिए भी मैं आज धोकर रख ली तो देखिए यहाँ कुल देवता के लिए ना दीप वगैरह जलाकर मम्मी यहाँ से देती है तो डैडी अपना कुल देवता के पास रखते है कह कुल देवता के पास मम्मी डैडी को ही रखना होगा तो चलिए सारा उधर खाना भी बन गया हम लोग रेडी हो करके यहाँ पर आ गए अब हम लोग यहाँ पर अपना अपना नैवेद्य कर रहे हैं तो वेद करने में हम लोग लेट कर रहे थे कहे कि मेरा भाई लोग आने वाला था तो भाई लोग आ गया उसके बाद हम लोग यहाँ पर वेद कर रहे हैं पूजा की तैयारी सब करके बैठे हुए थे तो बड़े भैया तो नहीं आए छोटा भाई लेकिन हर बार छठ में आ जाता है तो पहले कुल देवता को हो गाना मम्मी गा रही है तो <दुण> छठी तो माता का भी गाना हुआ है पूजा पाठ सब संपन्न हो गया उसके बाद देखिए सभी आदमी प्रणाम कर रहे हैं तो देखिए फिर बेटी का फोन आ गया हेलो लवली हेलो लवली <laughs> सबसे ज्यादा ना गप्पू भतीजा तुमको खोज रहा है बहुत अच्छा बात हो रहा है भैया से बात हुआ है ना भैया ड्यूटी चला गया इसमें जोर ना भैया को जरूर परिवार तो पूजा के टाइम में ना थोड़ा सा बउआ से बेटा से बात हुआ था लेकिन बेटी ड्यूटी पर ही थी तो बेटी आई तो फिर बेटी से बात हुआ है तो देखिए फिर बेटा बेटी सबको जोर करके बात थोड़ा देर किया क्या कि पिछले साल मेरा बेटा बेटी दोनों था इस बार बेटा तो अमेरिका चला गया हेलो पटी इसका बेटा बेटी ने सभी लोग से बात किया चलिए देखिए वहां पर क्या क्या बना था मैं बोली थी ना एक टोपिया खीर बना यही खीर हो गया उसके बाद देखिए आलू का भुजिया उसके बाद ये कंडीन में ना सादा खीरा बिना चीनी का तो चलिए प्रसाद पहले बच्चा लोग खा लिया फिर अब मैं खाना बच्चा लोग को लगा लेती हूँ बच्चा लोग ना अभी आया था सफर में से तो सबको भूख लगा था तो देखिए दोनों चौकी पर सभी आदमी को जेंट्स लोग को खाना पहले लगा दी तो वो लो लोग के ना अलग से आलू दम बना था तो वही खीर पूरी आलू का सब्जी हो गया उसके बाद साग और आलू का भुजिया मूली और फल फूल यही प्रसाद सभी लोग खाए हैं तो यहाँ पर हम सभी लोग मिलकर खिला दिए पर तो मेरी बहन को सब्जी पकड़ी हुई थी और मैं प्रसाद पकड़ी हुई थी और भाभी लोग कोई पूरी कोई भुजिया कोई खीर इस तरह से सभी आदमी मिलजुल कर जल्दी जल्दी खिला दिए जेंट्स लोग को तो सभी जेंट्स बच्चा लोग खा लेने के बाद अब दो ठो कुकुर बच्चा है अब चलिए उन लोग को भी खिला देते हैं तो मेरी बहन का डॉगी सिर्फ खीर खाया और मेरा डॉगी देखिए खीर पूरी ना इसको आदमी जैसे खिलाना पड़ता है देखिए जब से मैं क्या हूँ तो डॉगी का काम ना हस्बैंड को मिला है कह के मैं इधर पूजा पाठ का करती हूँ तो डॉगी का काम हस्बैंड को दे दी हूँ तो चलिए अब हम लोग का भी खाना लग चुका है पूजा संपन्न हो गया सभी लोग पूजा पाठ सबसे पहले पूजा पाठ हम लोग का संपन्न हो गया तो इधर का खीर है है पूरी सादा आलू का भुजिया बिना हल्दी नमक मीना और साग में सिर्फ तेल और हरा मिर्च डाला हुआ है और मूली है और फल फूल वगैरह भी है देखिए फल फूल हम लोग बाद में लेंगे तो आइए सबसे पहले देखिए सभी लोग खिला चुके उधर उधर देखिए भी खाना लग चुका है सब्जी वगैरह अब इधर हम लोग का हम तीन उपरती मम्मी छोटी बहन और हम है तो जितने छठ छठप्रति है सुताइए अपन किचन में बाकी जितने लोग है और लोग भी आ आगे प्रसाद खाने के लिए लीजिए हैप्पी छठ पहले आप लोग खाइए फ्रेंड्स तो मैं खा रही हूँ हैप्पी छा तो लीजिए मेरा वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा मैं मैके में आई हुई हूँ तो ये मैके का ब्लॉग है वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह से मैं कल कल का भी दिखाने का कोशिश करूंगी परसों का भी जब तक रहूंगी तब तक का ब्लॉग मैं बनाऊंगी आप लोग के लिए तो आइए आप लोग खाइए मैं खा रही हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब हैप्पी छान तो इस चौकी पर हम तीनों व्रती है और दूसरे चौकी पर तीनों बहू है एक ठो बहू कमी है मेरी बड़ी वाली भाभी नहीं आई है